उस शख्स मौत दे मूँह च जाण तों पहलां कड़प के कह रहा सी कि इत्थे देश नहीं रहा दोजक बन गया, सरकारां नहीं रहियां कातल हो गए ने सब, कोई प्रधानमंत्री नहीं है, उहदी वर्डिंग है, मैं नहीं कह रहा। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई सरकार नहीं है, यहाँ कोई प्रधानमंत्री नहीं है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ कोई अफसरशाही नहीं है, और सबको अपने अपने हाल पर छोड़ दिया गया। वो शख्स जड़ा टीवी चैनल पे बैठ के फिरकू अग उगलता रहा, फिरकू जहर उगलता रहा, मैं किसी के जान तो बाद निंदा। वो सोचेंगे कि हमको हमारी आने वाली नस्लों के लिए मंदिर और मस्जिद के छोड़ों से ऊपर उठना चाहिए। उनमें से हर एक आदमी अपनी नस्लों में गिरा हुआ है। हम सब की अदृश्य शक्ति की मदद की उम्मीद है। पर मैं ये बेनती करनी चाहता कि धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के सिख अपनी नज़रों च नहीं गिरे, क्योंकि सिखा ने गुरु के आशे अनुसार दूजिया के हकों की राखी लिए अपन जाना कुरबान करनिया सीखिया, तो वो उन्होंने अमल में लिया रहे। इसलिए कि जे इंसानियत बचानी है तो फिर संसार घट्टो घट जरूरी हिंदुस्तान सिख बचाओ, इंसानियत बच जाए। अत खुशी है, प्रसन्नता है, मुबारकां वाला दिन है, पर उत्थे नाल मैं एक चर्चा जरूर करनी चाहांगा कि असीं सिख सिर्फ अपनी खुशी दे विच खीवे नहीं हाँ, असीं इंसानियत दे दर्द नूं भी समझ रहे हाँ, बलदे हुए सिवे भी वेख रहे हाँ, तड़पदे हुए शरीर भी वेख रहे हैं, जड़े पलां विच दी लाशां बनते जा रहे हैं। हालत बहुत ही वधिया नहीं है और सरकारां दे हाथ खड़े हो गए ने, मौत दे मूँह विच जाण तो पहला एक पत्रकार मैं उहदे बोल सुन रहा सी, तो मेरे जेहन विच कुछ गल्लां आईयां, मैं सारी मनुखता दे नालों सांझियां करनियां चाहुंदा। सिख पंथ वल्लों उह शख्स जिहड़ा टीवी चैनल ते बैठ के फिरकू अग उगलता रहा, फिरकू जहर उगलता रहा, मैं किसी के जान तो बाद निंदा नहीं करनी चाहता, पर जड़ा अज इंटरनेट का सच है वह धर्म की धर्मराज की वही वांगू मिटन वाला नहीं है, वो सदा ही बोलता रहना जी। सो उस सच नूं नहीं मिटाया जा सकता। जिन्होंने इस देश के अंदर बहुत तरह के हालातों जन्म दिता, बड़े फिरकू भांबड़ वाले, उस शख्स मौत दे मूँह च जाण तों पहलां कड़प के कह रहा सी कि इत्थे देश नहीं रहा दोजक बन गया, सरकारां नहीं रहियां कातल हो गए ने सब, कोई प्रधानमंत्री नहीं है, उहदी वर्डिंग है, मैं नहीं कह रहा है, और नाल भुब्बा मार मार के उह शख्स रो रहा सी, नाल उह कह रहा सी। ते एक गल जिहड़ी मैनूं बोलण लई मजबूर कर गई, उस मनुख ने एक गल कही कि सारे देशवासी अपनियां नज़रां विच आप गिर गए ने, पर मैं ये बेनती करनी चाहुंदा कि धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे सिख अपनियां नज़रां च नहीं गिरे, क्योंकि सिखा ने गुरु दे आशे अनुसार दूजियां दे हक्कां दी राखी लई अपनियां जानां कुरबान करनियां सीखियां, ते ओ उन्हों अमल विच लिया रहे। जिहड़ी ये बत्तर हालत है, जिहड़ी ये पोजिशन है, इहदे वास्ते हाँ किते ना किते शायद साडा भी दोष होवे कि असीं उहनां लोकां नूं चुणिया जिन्हां ने इस धरती नूं नरक बना दिता। अज खुशियां दा मौका है, मुबारकां दा मौका है, पर मनुखी पीड़ा नूं समझदिया होया मैं गुरु दी हजूरी च जिथे अरदास करदा सारियां दी सुख शांति वास्ते, सारियां दे घरां विच खुशियां आउण, गुरु घर दा सेवादार होण दे नाते पंथ वल्लों मैं अरदास करदा, उत्थे इह वी अरदास करदा कि जिहड़े डॉक्टर साहबान वलंटीयर सेवा च लगे ने, वाहिगुरु उन्हां नूं भी सेहतयाबी बख्शे। पर नाल मैं ये भी बेनती करनी चाहुंदा कि दुनिया के लोगो, इसलिए नहीं कि बाकी फिरकियां नूं नीवां दिखाउणा है, इसलिए कि जे इंसानियत बचाउणी है तो फिर संसार विच घट्टो घट जरूरी हिंदुस्तान च
सिख बचाओ इंसानियत बच जाएगी। सो ये बड़ी जरूरी बेनती है। गुरु दे आशे च चलांगे। अज जिथे लोग कह रहे हैं कि असीं अपनियां नज़रां च आप गिर गए हैं, गुरु दा सिख अपनियां नज़रां च आप नहीं गिरेगा। उस बंदे दा जूना बत्तर हुंदा है, वो जिंदा लाश हुंदा है जिहड़ा अपनियां नज़रां च आप गिर जाए। यही कारण है शायद जिम्मेवारियां वाले मूंह छुपाउंदे फिर रहे हैं। तो सतगुरु जी गुरु तेग बहादुर महाराज ने सानूं सिखाया दूसरियां दी पीड़ा नूं वंडना, दूसरियां दे दर्द नूं अपनी झोली च पाउणा, दूसरियां दे दुखां वास्ते अपनी खुशियां नूं कुरबान करना, दूजियां दे घर वसाउण वास्ते अपने सरबंश नूं वारना। तो खालसा पंथ जदों गुरु दे आशे अनुसार चलेगा फिर नज़रां झुका के नहीं सिर उच्चा करके गर्व नाल जीवेगा। वेखो सिख ना तो मुकने ने तो ना इन्हों का सुभाव बदलना, पर मैं फिर भी दयानतदारी नाल बेनती करदा जिहड़े लोगों की मानसिकता वन नेशन वाली बनी हुई है रब का वास्ता इस धरती ते तरस करो, गुरु का वास्ता पा के कहिंदे आ अपनी सौड़ी सोच नूं अपने तक रखो, इस धरती नूं उजाड़ो ना, इहनूं जाना दे के असीं बचाया बहाल किया। सो अज भावें खुशी का दिन है पर इंसानी पीड़ा दे वजों मैं ये बचन जरूर कहने चाहता सी। तुहाडा सारिआं दा धन्नवाद। वाहिगुरू आया सफल करन।